हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल मम्मी की टेस्टी रसोई में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रेंड्स कढ़ी की रेसिपी, वो भी एकदम नरम नरम पकौड़ी के साथ। फ्रेंड्स वीडियो को पूरी देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें एक कप दही, आधा कप बेसन, अदरक, हरी मिर्च। फ्रेंड्स अदरक को मैंने ग्रेट किया हुआ है, हरी मिर्च को रफली चॉप किया है। हाफ टी स्पून सरसों के दाने, हाफ टी स्पून मेथी दाना, हाफ टी स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर। फ्रेंड्स 1 टीस्पून फ्रेंड्स नमक फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हींग, बैटर बनाने के लिए फ्रेंड्स पानी। तो चलिए फ्रेंड्स बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बेसन लेंगे, बेसन में फ्रेंड्स हम दही ऐड करेंगे और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाएंगे। बेसन और दही को फ्रेंड्स हमें बिल्कुल अच्छे से मिलाना है, बिल्कुल इसका, ताकि हम जो घोल बना रहे हैं उसमें गुठलियाँ ना पड़े। हमें फ्रेंड्स एकदम लम्प फ्री बैटर बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा दही और बेसन बिल्कुल अच्छे से मिल गया है। अब मैं फ्रेंड्स इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, इन सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से इसमें मैंने डाल लिया है। अब हम इन्हें अच्छी तरह से फ्रेंड्स मिला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिल गई है। अब मैं इसमें फ्रेंड्स डालूंगी बहुत सारा पानी। फ्रेंड्स जितनी मैंने क्वांटिटी बेसन की और दही की ली है उसमें आपका लगभग 1.5 लीटर पानी यूज हो जाएगा। अब हम इसमें फ्रेंड्स बहुत सारा पानी मिलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा एकदम लम्प फ्री बैटर रेडी हो गया है। आइए कढ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे फ्रेंड्स, कढ़ाई में मैं 4 टेबल स्पून देसी घी ऐड करूंगी। कढ़ी फ्रेंड्स देसी घी में बहुत अच्छी बनती है, आप इसे तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी का फ्लेवर कढ़ी में बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इसमें फ्रेंड्स मेथी दाना, सरसों के दाने और जीरा मिला दूंगी। अब फ्रेंड्स इन सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से चटकने देते हैं। देखिए हमारे मेथी, सरसों के दाने, जीरा बिल्कुल अच्छे से चटक गया है। अब मैं फ्रेंड्स इसमें हींग ऐड करूंगी। हींग डालने के बाद फ्रेंड्स जो हमने अदरक और हरी मिर्च को ग्रेट किया हुआ था उसे भी इसमें मिला देंगे जिससे कि हमारा अदरक का जो कच्चापन है वो निकल जाए। देखिए अदरक और हरी मिर्च बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं। अब हमने जो बैटर बनाया था वो इसमें मिला देंगे। थोड़ा सा बेसन हमारा फ्रेंड्स नीचे बैठ जाता है तो उसे भी हम इसमें मिला लेंगे। और अब हमें एक बात का बहुत ध्यान रखना है, इस टाइम हम लगातार हिलाते हुए कढ़ी में एक बॉईल आने का वेट करेंगे। जब तक इसमें बॉईल नहीं आता तब तक हमें इसे चलाते रहना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हमने इसे चलाया नहीं तो जो हमने इसमें दही डाली है वो फट भी सकती है और इससे हमारी कढ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो अब हम फ्रेंड्स इसमें हाई फ्लेम पर एक बॉईल आने का वेट करेंगे। देखिए बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा पानी और मिलाऊंगी। फ्रेंड्स हमें इसमें पानी बहुत सारा यूज़ करना है। आप यहाँ पर कढ़ाई में
लेवल देख सकते हैं, ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है। और अब हम इसे इतना पकाएंगे ये बहुत कम हो जाएगी। अब हम इसे इस तरह से प्लेट से कवर कर देंगे, पूरा कवर नहीं करेंगे, थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे, क्योंकि अगर आपने पूरा कवर कर दिया तो कढ़ी हमारी जब बॉईल होगी तो वो बाहर निकल जाएगी, इसलिए थोड़ा सा खुला छोड़ दीजिए। इतने फ्रेंड्स हमारी कढ़ी रेडी होती है, आइए पकौड़ी बना लेते हैं। पकौड़ी बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया है जिसे बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, 2/3 कप बेसन, 1/2 कप दही, अदरक, हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून फ्रेंड्स कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। चलिए फ्रेंड्स पकौड़ी के लिए बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लेंगे फ्रेंड्स, बाउल में हम सबसे पहले फ्रेंड्स बेसन मिलाएंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम दही मिलाएंगे। इन दोनों चीज़ों को फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स दही बेसन में मिलाने से हमारे जो पकोड़े हैं वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स दही हमारी बिल्कुल अच्छे से मिल गई है। अब मैं इसमें फ्रेंड्स प्याज मिलाऊंगी, कसूरी मेथी। फ्रेंड्स कसूरी मेथी से हमारे पकोड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब मैं इसमें फ्रेंड्स अदरक और हरी मिर्च भी मिला लूंगी, हल्दी, अजवाइन। अजवाइन फ्रेंड्स ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप डाल लीजिए, वरना रहने दीजिए। वैसे फ्रेंड्स अजवाइन डाइजेशन में हमारी बहुत हेल्प करती है, इसलिए इसे पकौड़ों में जरूर डालिएगा। नमक, नमक और मिर्च फ्रेंड्स आपको बिल्कुल ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हमने कढ़ी में भी नमक और मिर्च ऐड किए हैं। अब इन सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिल गई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमें पकौड़ी बनाने के लिए इस तरह का बैटर चाहिए, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। अब मैं फ्रेंड्स इसमें लास्ट में बेकिंग सोडा ऐड करूंगी, इसे भी बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लूंगी। पकौड़ी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है, आइए पकौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ऑयल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है, ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। चलिए फ्रेंड्स अब पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ पे लीजिए और इस तरह से ऑयल में डालिए। फ्लेम को फ्रेंड्स हम मीडियम रखेंगे। अब इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे पकोड़े बिल्कुल अच्छे से सिक रहे हैं और हमारी कढ़ी भी दूसरे गैस पर बन रही है, उसमें देखिए फ्रेंड्स अच्छे से उबाल आ रहा है। कढ़ी को बनने में हमारे फ्रेंड्स बहुत टाइम लगता है, कम से कम फ्रेंड्स आधा घंटा कढ़ी को बनने में लग जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे पकोड़े कितने अच्छे बन रहे हैं, कितने फूल गए हैं ये देखिए फ्रेंड्स। पकोड़े हमारे बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं, आइए इन्हें एक पेपर पर, टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे पकोड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं, ये देखिए अभी नियम ठंडा होने के लिए रख देते हैं और अपनी कढ़ी चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कढ़ी में लगातार बॉयल आ रहा है और फ्रेंड्स अब आप इसका लेवल देखिए। फ्रेंड्स हमारी जो कढ़ी थी वो बिल्कुल ऊपर तक थी और ये देखिए अब कितनी कम हो गई है। इसे फ्रेंड्स हम अभी थोड़ा सा और पकाएंगे। फ्रेंड्स कढ़ी को जितना पकाते हैं वो उतनी ही अच्छी बनती है। इसे फ्रेंड्स मैंने थोड़ा टेस्ट किया था तो मुझे नमक कम लगा, मैंने पहले
1 टीस्पून डाला था, अब मैं 1/2 टीस्पून नमक और ऐड कर रही हूँ। और फ्रेंड्स अब मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगी, वो है फ्रेंड्स 1/2 नींबू का रस। फ्रेंड्स कढ़ी तो खट्टी ही अच्छी लगती है, अगर आपकी फ्रेंड्स अगर आपका जो दही है वो ज़्यादा खट्टा है तो आप नींबू के रस को स्किप कर दीजिए। अब हम इसे फ्रेंड्स 5-10 मिनट के लिए और कुक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी कढ़ी बन चुकी है और ये देखिए फ्रेंड्स कितनी कम हो गई है, इसकी थिकनेस देखिए फ्रेंड्स काफ़ी गाढ़ी हो गई है। ज़्यादा गाढ़ा हमें इसे नहीं करना है क्योंकि फ्रेंड्स कढ़ी ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा हरा धनिया मिलाएंगे और फ्रेंड्स जो हमने पकौड़ी बनाई है वो भी इसमें मिला देंगे। पकौड़ी डालने के बाद फ्रेंड्स हमें कढ़ी को ज़्यादा कुक नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स कढ़ी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है, आइए इसके लिए तड़का बना लेते हैं। एक तड़का बना लीजिए फ्रेंड्स, इसमें हम फ्रेंड्स 1 बड़ा चम्मच घी की डालेंगे फ्रेंड्स। अब मैं इसमें फ्रेंड्स बिल्कुल थोड़ा सा फ्रेंड्स जीरा डालेंगे। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 3 सूखी लाल मिर्च ली है जिन्हें मैंने तोड़ लिया है, उसे भी इसमें मिला दूंगी। 1/2 टीस्पून फ्रेंड्स कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, फ्रेंड्स ये डालने से कलर बहुत अच्छा आता है इसलिए आप जरूर डालिएगा। देखिए फ्रेंड्स हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है, आइए इसे अब कढ़ी में डालते हैं। तड़का डालने से फ्रेंड्स हमारी कढ़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और साथ ही साथ कलर भी आता है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कढ़ी पकौड़ा बनकर बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स जैसे जैसे मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया है आप उसी तरह से सारी टिप्स फॉलो कीजिए, आपकी कढ़ी पकौड़ा बिल्कुल अच्छी बनेगी। पकौड़ी बनाते समय फ्रेंड्स पकौड़ी को पानी की जगह दही में ही बनाइए, इससे आपकी पकौड़ी जो बनेगी वो एकदम सॉफ्ट बनेगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।